देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। जोधपुर के श्री उम्मीद राजकीय स्टेडियम में हुआ जिला स्तरीय मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि पटेल ने ध्वजारोहण के बाद आरएससी राजस्थान पुलिस महिला व पुरुष, होमगार्ड महिला व पुरुष, ग्रामीण पुलिस एनसीसी स्काउट गाइड की टुकड़ियों का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड कमांडर आरआई राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में हुए मार्च पास्ट में प्रथम बटालन आरएससी पुलिस आयुक्तालय महिला राजस्थान होमगार्ड्स पुरुष महिला एनसीसी कैडेट सहित टुकड़ी स्काउट गाइड और बैंड बटालून की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। परेड प्रदर्शन में आरएससी ने प्रथम, एनसीसी ने द्वितीय और गाइड ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हर बार की तरह समारोह का चैनल 24 प्लस न्यूज पर सीधा प्रसारण किया गया। ताल भी है कदमों में भारत माँ के प्रति एक श्रृंगार जो बहुत महत्ता का होता है उसकी अभिव्यक्ति भी है। और दूसरी टुकड़ी पुलिस आयुक्तालय प्रथम प्लाटून दिनेश कुमार एक निरीक्षक इसका नेतृत्व कर रहे हैं और सलामी मंच के सामने और सलामी देते हैं। अब राजस्थान होमगार्ड महिला विंग से श्री रिंकू कवल शेखावत इसका नेतृत्व कर रही है। अगली टुकड़ी एनसीसी कैडेट्स जॉइंट हिमाक्षी सैनी अंडर ऑफिसर इसका नेतृत्व के सामने स्काउट की टुकड़ी अर्जुन राम लीडर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत ही पेशेवर कभी से ये परेड की जा रही है। थोड़ा सा अगर हम हौसला बढ़ाएंगे अपने तालियों के साथ